तो चलिए शुरू करते हैं। Indeed, a very dedicated and innovative woman, Ms. Rupa Shaheen, an advisor to exclusive institution of fashion and art. She's the brand ambassador of Fortune. कहना चाहूंगी कि अभी सारी लेडीज को कहना चाहूंगी, अगर कोई समझता है कि मैं किसी जगह खड़ी हूँ, स्टैंड करती हूँ फील्ड में, या मैं कामयाब खाती हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी सबसे पहली बात अपनी खवातीन को कि प्लीज जो विमन कार्ड है उसको प्ले करना बंद करें। आप अपने राइट्स खुद लेंगी, ना कि आप मर्द के कंधे पे चढ़ के कहें कि मुझे मेरे राइट्स चाहिए। कहीं कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो आपके राइट्स नहीं आपको देना चाहता। आप यकीन माने एक दफा फील्ड में आइए और मदद मांग के देखिए, मदद करने के लिए सब तैयार हैं। आपको समझ नहीं आती, पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से पूछिए, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने बाप से पूछिए, वो आपकी मदद करने को तैयार है। एक दफा अपना जज्बा तो उनको दिखाइए कि हम कुछ करना चाहते हैं सुनने के लिए। अच्छा, इस तकलीफ में मैं भी चाहूंगी कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ। आपको कोई क्यूरी हो, आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो आप जरूर करें। कोई बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अपने बारे में खुद तारीफ ही करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन यहाँ कुछ बताना इसलिए चाहती हूँ कि शायद मेरी स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सके। मैं जब 15 साल की थी तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक पेंटिंग को लेके कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ, और मैंने उस मुकाबले को 15 साल की उम्र में जीत लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड से एक टीम आई और उसने सेलिब्रेशंस की, और सेलिब्रेशंस करने के बाद 5 साल के लिए वो मुझे मुख्तलिफ मालिक में एज अ रोल मॉडल लेकर जाते रहे। मीन वाइल मैं साथ साथ अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर ली। उस वक्त मैंने एफए किया, पाकिस्तान से किया, फाइन आर्ट्स के अंदर, यानी कि पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स के अंदर। फिर मैंने बीए किया, और जब मास्टर्स की मेरी बारी आई तो मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर भिजवा दिया और मैं चली गई। गलती उन माँ बाप की, जिन्होंने उसको सिखाया ही नहीं कि तुमने बाहर जाना है, बिल्कुल एक मर्द की तरह तुम्हें बाहर जाके काम करना है। इसके अलावा मेरी एक और इस माशी से थोड़ी सी बगावत थी इस चीज को लेकर, वो एक लोकल ट्रांसपोर्ट में धिक्के खा रही हो, उसके पास अपनी जाती ट्रांसपोर्ट हो, तहफ़ुज़ के साथ आए, तहफ़ुज़ के साथ वापस आ जाए। मेरे साथ इतनी तकरीर काफी। थैंक यू सो मच। Later. A few moments later. Hello, I am. Assalamu alaikum guys. Welcome back to another vlog. आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं क्या यूनिवर्सिटी से। हमारा लेक्चर एंड हो गया है, यानी कि जल्दी हमें मैम ने छोड़ दिया, तो हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए थोड़ा सा। तो हम अपने दोस्तों के साथ हैं जी, आइए हम अपने दोस्तों साहब को मिलवाते हैं। ये हैं जी हैदर जमान, हमारे
ये थोड़े शर्मीले शर्मीले टाइप के बंदे हैं, वो ज्यादातर कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। और ये हमारे सरायकी भाई आजम ताज। लेजेंड है हमारी क्लास के यार, ये हमारे भाई उमर है, ये भाई हमारे उमर है जो कि हमारे कैमरा मैन भी हैं, तो ये हमें शुरू भी कर रहे हैं। और आपने कहा था पार्टी दे रहे हो आप? नहीं नहीं पार्टी मैं नहीं दे रहा, ये आप हमारे साथ ये कौन सी मंडली है? साहब है अपने अकाउंट के मोनेटाइज होने की खिला रहे हैं तो इसी भाई ब्रैनी बर्गर लेमन सोडा वाला या आप स्टार्ट कर जो अच्छा हो दिखा दे क्या लगा ठीक है सर दिमाग के दांत ब्रैनी बर्गर लेमन सोडा इसके बारे में भाई के बारे में थोड़ा सा। भाई हमारे नींबू पानी बेच रहे हैं, बहुत ही अच्छा यानी कि बहुत ही टेस्टी पानी था। अगर आप आए हम दर्जी यूनिवर्सिटी के सामने जरूर इनसे पिएगा, बहुत ही अच्छा बना के देते हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं ट्राई किया। करेंगे जो कि बहुत ही मजे के लग रहे हैं देखने। अंकल से गाना सुने? अंकल से हाँ सुन लो। अंकल जी आप गाना आता है? गाना आता है आपको? क्यों नहीं आता? अंकल एक गाना सुना दें, व्लॉग बन रहा है। अच्छा। जी जुबैर भाई अच्छा बना हुआ है, पहला लुकमा लिया तो बहुत अच्छा फील आया, यानी कि बहुत ही अच्छा फील हुआ जैसे कि हम जी चाचू चाचू कहाँ से नजर आ रहा है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा अच्छा